डिजाइनिंग क्लास आज हम एक काफ़ी मशहूर एल्गोरिथम है वो डिस्कस करेंगे जो कि डायनेमिक स्केड्यूलिंग में इस्तेमाल होता है। ठीक है, उसके एल्गोरिथम इज नोन एज टॉमस अलूज एल्गोरिथम, और एक साइंटिस्ट था टॉमस अलू जिन्होंने IBM में ये एल्गोरिथम प्रेजेंट किया था। एंड दिस प्रेजेंटेड अस ए डायनेमिक स्केड्यूलर जो कि आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन जो है वो हमें फैसिलिटेट करता था इन मल्टी इशू प्रोसेसेस। और इसके अंदर रजिस्टर रीनेमिंग हार्डवेयर जो है वो भी इसके अंदर इंट्रोड्यूस हुआ। और टॉमस अलू स्कीम के अंदर रजिस्टर रीनेमिंग जो है वो उसको मैनेज करने के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम है रिजर्वेशन स्टेशन या रिजर्वेशन बेस भी कहते हैं इसको। और दी आइडिया इज के जो भी इंस्ट्रक्शंस, और हम बात कर रहे हैं मल्टी इशू प्रोसेसेस की, राइट, तो जो भी प्रोसेसेस और इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होने होते हैं वो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एग्जीक्यूशन रिजर्वेशन स्टेशंस होते हैं, और पहले वो वहाँ पे अकोमोडेट किए जाते हैं। और जब तमाम रिसोर्सेज अवेलेबल होती हैं, यानी कि आप समझ लें एक बफर होता है, ठीक है, टेम्प्रेरी बफर होता है जिसके अंदर इंस्ट्रक्शन को और उसके तमाम ऑपरेंट्स को, ठीक है, ऑपरेटर एंड ऑपरेंट्स तमाम चीज़ों को उसके अंदर मेंटेन किया जाता है, जब तक तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती हैं उसके बाद जो है वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाती है। और इसमें भी ये है कि अगर डिपेंडेंसीज का इशू हो, एक इंस्ट्रक्शन दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो वो उस चीज़ का भी ट्रैक रखा जा सकता है। ठीक है, मेरे ख्याल इसको या पढ़ लीजिएगा, ये आपके पढ़ने के लिए इंफॉर्मेशन है। ओबियसली आई वुड रिकमेंड कि यू ऑल्सो रीड द बुक, रीड द चैप्टर दैट इज कवरिंग दिस टॉपिक, लेकिन मेरे ख्याल जब हम इसकी ये जो हम बात कर रहे हैं रिजर्वेशन स्टेशन की और मुख्तलिफ कंपोनेंट्स की बात कर रहे हैं, तो इट वुड मेक मोर सेंस व्हेन वी डिस्कस दम विजुअली। तो आपको पता है कि हमारे पास जो प्रोग्राम होता है उसमें आपके पास एक इंस्ट्रक्शन यूनिट होता है, इंस्ट्रक्शन क्यू होती है, जिस बेसिकली एंड दिस इज कमिंग फ्रॉम योर प्रोग्राम मेमोरी। ठीक है, ये प्रोग्राम मेमोरी से आ रही होती है। आपका बेसिकली जो प्रोग्राम है उससे क्यूब जनरेट हो रही होती है और आपके पास लाइन्स इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई होती हैं। अच्छा, आपके पास कुछ जनरल पर्पस रजिस्टर्स हैं, उनको आप GPR भी कह सकते हैं। ठीक है, और आपके पास इनफैक्ट स्टोर बफर्स हैं, सीक्वेंसेस डॉट राइट, आपके पास ये रजिस्टर्स हैं। ठीक है, तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पे। ये आपके पास एड्रेसेस के लिए रजिस्टर्स होंगे। ठीक, ये इनका साइज इन पे वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ एड्रेसेस योर, बट आपके पास बेसिकली क्या है, इंस्ट्रक्शंस, रजिस्टर्स जिनमें एड्रेसेस हैं और रजिस्टर्स जिनके अंदर डेटा है। ठीक है, तो ये जो आपका इंस्ट्रक्शन क्यू है, गौर करेंगे लफ्ज़ क्यू पे, तो ये एक सीक्वेंस को और ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अच्छा, सॉरी फॉर द इन सिक्वेंशल नॉन सिक्वेंशल एनिमेशन। अब हमें बात करेंगे कि जो और यूनिट्स क्या हैं। तो बिफोर आई टॉक अबाउट व्हाट अदर थिंग्स वी हैव टू रिमेंबर कि इंस्ट्रक्शंस की दो टाइप्स हैं। ठीक है जी, इंस्ट्रक्शंस की, इंस्ट्रक्शंस, और उसकी एक हमारी ALU टाइप होंगी इंस्ट्रक्शंस जो कि अरिथमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशन होंगे, फिर हमारे पास मेमोरी, ठीक है, मेमोरी इंस्ट्रक्शन होंगे जिसमें हमारे पास लोड्स एंड स्टोर्स होंगे। ठीक है, तो इनवेरिएबली मेमोरी इंस्ट्रक्शन जो हैं वो एड्रेसेस पर डिपेंड करती हैं, ALU इंस्ट्रक्शन जो है वो एड्रेसेस पर डिपेंड नहीं कर रही। कॉन्सिक्वेंटली ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये कैश से या मेमोरी से बात कर रहे होंगे,
नाउ इनकी जो लेटेंसी है जो हम बात करेंगे इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनी एग्जांपल दैट वी विल डू, उसमें हमारी अजम्पशन होगी कि हमारे पास डेटा कैश में पड़ा हुआ है, ठीक है, लेकिन देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट द डेटा इज नॉट इन द कैश। अच्छा, अब हम तो हमारे पास इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं और ये इंस्ट्रक्शंस दो किस्म के हो सकते हैं। अगर हमारे इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो एयू टाइप के होंगे तो हम लोग देखेंगे कि ऑब्वियसली वी लुक इनटू द एयू एंड एयू यूनिट्स एंड वट एवर वी डू। और अगर हमारे मेमोरी टाइप के इंस्ट्रक्शन होंगे तो हम एड्रेस यूनिट में जाएंगे, ठीक है। तो एड्रेस यूनिट क्या करेगा कि पहले तो उसने एड्रेस को कैलकुलेट करना है, ठीक है। एड्रेस यहाँ से कहीं से आ रहा होगा, ठीक है, और वो एक लोड एड्रेस, लोड फ्रॉम दिस मेमोरी होगा या स्टोर टू दिस मेमोरी होगा। ठीक है, तो आगे दें तो हमारे पास एक एड्रेसिंग यूनिट है, और एड्रेसिंग यूनिट जो है एक दफ़ा जब वो एड्रेस कैलकुलेट कर लेगा फिर वो मेमोरी यूनिट से वो डेटा उठाएगा और उसको आगे पीछे मूव करेगा। सिमिलरली हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट है, इसको एएलयू कह लें। एएलयू प्रोसेसिंग की यूनिट, ठीक है। तो इस पूरे एरिया के अंदर हमारा बेसिकली कोई भी ऐसा काम जिसका ताल्लुक एएलयू से होगा वो इस तरह रीराउट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे पहले रिजर्वेशन स्टेशन आएंगे ना। अभी आपने अपने रिजर्वेशन स्टेशन का जिक्र सुना था, ठीक है, हमने रिजर्वेशन स्टेशन की शुरू में बात की थी। रिजर्वेशन स्टेशन एक ऐसा टेम्प्रेरी बफर है जो कि कुछ इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, जिसके अंदर वो ये इन्फॉर्मेशन भी स्टोर करता है। सबसे पहली बात है कि जो एग्जीक्यूट होनी है इंस्ट्रक्शंस उनको वो यहाँ पे सबसे पहले डालेगा, और उसके बाद वो मेक श्योर करेगा कि उसकी तमाम रिक्वायरमेंट्स पूरी है, यानी कि तमाम ऑपरेंट्स का डेटा मौजूद है। जब तमाम ऑपरेंट्स का डेटा मौजूद होगा तो वो उनको आगे एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अब ये जो पर्टिकुलर एग्जाम्पल है, बाय द वे आई जस्ट वॉन्ट टू मेक क्लियर कि दिस इज नॉट दिस इज नॉट आई एम नॉट सेइंग दिस इज स्टैंडर्ड फॉर टॉमसुलु, लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में हमारे पास एक एग्जाम्पल है जो कि मल्टी इशू प्रोसेसर है, जिसके अंदर हमारे पास लेट्स से तीन जो हैं वो फ्लोटिंग पॉइंट एडर्स हैं, जिसके अंदर एडिशन मल्टी सब्सट्रैक्शन और सो एंड सो फोर्थ है, और हमारे पास जो हैं दो फ्लोटिंग पॉइंट मल्टीप्लायर्स हैं, जिसके अंदर हमारे मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रही है, ठीक है। तो दिस इज फॉर दी सेक ऑफ दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल। तो क्योंकि मेरे पास तीन एडर्स हैं और नहीं दो मल्टीप्लायर्स हैं, तो मेरे पास यहाँ पे तीन रिजर्वेशन स्टेशन हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू द थ्री एडर्स हैं, यहाँ पे मेरे पास दो रिजर्वेशन स्टेशन हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू द टू मल्टीप्लायर्स, विच मीन्स के आई कैन एग्जीक्यूट पोटेंशली फाइव एएलयू इंस्ट्रक्शन साइमल्टेनियसली, पोटेंशली आई कैन डू दैट, ठीक है। और हर इंस्ट्रक्शन के लिए हर एएलयू के साथ करस्पॉन्ड कर रहा है एक रिजर्वेशन स्टेशन, ठीक है। दरअसल आगे जिस तरह मूव करेंगे तो मैं यहाँ पे ये तीन ही ड्रॉ करूँगा, लेकिन अगर यहाँ पे तीन रिजर्वेशन स्टेशन हैं और इसके दो हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए इंडिकेटिव होगी कि हमारे पास, और बेसिकली ये अगर आप गौर करें ये भी एक तरह से रिजर्वेशन स्टेशन है, ठीक है। तो ये रिजर्वेशन स्टेशन जो है एक दो तीन चार पाँच छः, इसका मतलब ये है कि मैं सिक्स साइमल्टेनियस मेमोरी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो ये सारी ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं रिजर्वेशन स्टेशन की, ठीक है। दी ओनली डिफरेंस इज कि ये रिजर्वेशन स्टेशन जो है वो मेमोरी टाइप ऑपरेशन हैं और ये रिजर्वेशन स्टेशन एएलयू टाइप ऑपरेशन को डील कर रहे हैं, मेरे ख्याल है। जब और इनमें कॉमन डेटा बस है, ये कॉमन डेटा बस है जो कि इस्तेमाल होगी, ठीक है। ये बाई डायरेक्शनल है, मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि अगर लोड टाइप की ऑपरेशन होगा तो ये एड्रेस कैलकुलेट करके मेमोरी यूनिट से मैं डेटा लोड करूँगा, और इट्स शुड कम ओवर हियर आई गेस। लेकिन अगर स्टोर टाइप की ऑपरेशन होगी तो हो सकता है कि डेटा जो है वो यहाँ से मूव करके मेमोरी में जा रहा हो बेस्ड ऑन द एड्रेस एंड सो एंड सो फोर्थ, ठीक है। हाँ,
तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं, ये भी आप एक देख लें, इंटरेस्टिंग लाइन है कि ये जो है डेटा लाइन जो है, एक्सक्यूज मी, ये जो आपकी डेटा पास है ये डायरेक्टली रिजर्वेशन स्टेशन को भी फीड कर रही है, ठीक है। तो ये भी इंटरेस्टिंग है, एक फिनोमेना है, इसको हम आगे एक्सप्लोर करेंगे। मेरा ख्याल है इसको आगे जाते हैं जल्दी से। अच्छा जी, एक और चीज़ भी हम देख लेते हैं कि इंस्ट्रक्शंस के तीन स्टेप्स होंगे, एक है इशू, एक है एग्जीक्यूट और एक है राइट बैक, ठीक है। आप ये पढ़ लीजिएगा, बाद में मैं आपको भी अभी समझाता हूँ, ठीक है। इशू का मतलब ये है कि जो इंस्ट्रक्शन है वो रिजर्वेशन स्टेशन के अंदर चली गई है, ठीक है, रिजर्वेशन स्टेशन के अंदर चली गई है। एग्जीक्यूट का मतलब ये है कि तमाम रिक्वायरमेंट जो थी, जो भी इंस्ट्रक्शन की रिक्वायरमेंट्स थी, जो भी इसको डेटा चाहिए था, वो सारा का सारा अवेलेबल है और एग्जीक्यूशन शुरू हो गई है, ठीक है। अब एग्जीक्यूशन जब शुरू हो जाएगी तो वो डिपेंडिंग ऑन द इंस्ट्रक्शन एक्स नंबर ऑफ साइकिल्स लेगी, ठीक है, एक्स नंबर ऑफ, ठीक है, वो एक सेकेंडरी इशू है, ठीक। एक दफ़ा एक्स नंबर ऑफ साइकिल्स के बाद जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाएगी तो फिर जो डेटा होगा वो आपने कहीं ना कहीं राइट करना है, ठीक है। सो द राइट बैक मे बी ऑन टू द मेमोरी, इट मे बी ऑन टू द रजिस्टर्स, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें हैं इस कॉन्टेक्स्ट में। इशू का मतलब क्या है कि रिजर्वेशन स्टेशन में आ गया है। एग्जीक्यूट का मतलब ये है कि तमाम रिक्वायरमेंट्स जो थी वो पूरी हो गई और एग्जीक्यूशन शुरू हो गई है, स्टार्ट, ठीक है। राइट रिजल्ट का मतलब ये है कि एग्जीक्यूशन जो है वो फिनिश हो गई है और डेटा जो है वो रजिस्टर्स के अंदर आ गया है, ठीक। बस इस चीज़ को याद रखिएगा, इशू, एग्जीक्यूट एंड राइट रिजल्ट या राइट बैक। अच्छा, एक साइड नोट है कि लोड्स एंड स्टोर्स रिक्वायर टू स्टेप एग्जीक्यूशन। द फर्स्ट स्टेप कंप्यूट्स द इफेक्टिव एड्रेस, ऑब्वियसली, क्योंकि मेमोरी ऑपरेशन से पहले एक हमारा मेमोरी ऑपरेशन है और उससे पहले हमारा एड्रेसिंग है, ठीक। तो आपने हमेशा एड्रेस जो है वो कैलकुलेट करना है, उसके बाद आप मेमोरी ऑपरेशन करेंगे, और मेमोरी ऑपरेशन जो है वो स्टोर या लोड हो सकती है, लेकिन उससे पहले आपको एड्रेस पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये बात कर रहा है, ठीक है। द फर्स्ट स्टेप कंप्यूट्स द इफेक्टिव एड्रेस, तो दैट इज गोइंग टू कंज्यूम अ साइकिल व्हेन द बेस रजिस्टर इज अवेलेबल, एंड सेकंड, इन द सेकंड स्टेप द इफेक्टिव एड्रेस इज देन प्लेस्ड इन द लोड और स्टोर बफर, ठीक। लोड्स इन द लोड बफर एग्जीक्यूट एज सून एज द मेमोरी यूनिट इज अवेलेबल, ऑब्वियसली। स्टोर्स इन द स्टोर बफर वेट फॉर द वैल्यू टू बी स्टोर्ड बिफोर बीइंग सेंट टू द मेमोरी यूनिट, ये भी ऑब्वियस होना चाहिए, ठीक है। अब एक एग्जांपल देखते हैं टोमा सुलू की, ठीक है। एज्यूम करें कि हमारा ये एक प्रोग्राम है और इसमें फर्दर हम ये एज्यूम करते हैं कि आई डोंट नो इफ आई हैव रिटन इट, हाँ, ये हमारा एक प्रोग्राम है, ठीक है। और इसमें मैं यहाँ पे एक चीज़ लिख देता हूँ कि लेट्स से कि लोड टेक्स टू साइकिल्स, आई थिंक मल टेक्स 10, डिव्स टेक्स 40, ऐड टेक्स 2, ऐड सब, लेट्स से दे टेक 2 साइकिल्स टू एग्जीक्यूट, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली। आई हैवन सीन दिस इन अ वाइल, लेकिन ये कुछ इस तरह की एग्जाम्पल थी, ठीक है। तो हमारे पास ये है, और अगर आप गौर करें कि अगर ये सारे के सारे प्रोग्राम मेमोरी से लोड हो गए, तो क्योंकि ये क्यू है, तो दिस बीइंग द फर्स्ट इंस्ट्रक्शन, तो ये यहाँ पे है, ठीक है, ये टॉप ऑफ द क्यू है, ठीक है। और ये जो सेकंड है ये यहाँ पे है, और सो सो, तो ये मेरा प्रोग्राम है, ठीक है, इस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होगा, पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। और हम कुछ अजम्पशंस कर रहे हैं, हमारी अजम्पशंस ये हैं कि इन एड्रेस रजिस्टर्स के अंदर ऑलरेडी कोई डेटा पड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई डेटा है 42 है, ये 45 है, ठीक है, ये एड्रेस है मेन मेमोरी का, और ये इन रजिस्टर्स में पड़ा हुआ है, R0, R1, R2, यानी R2, R3 में पड़ा हुआ, ठीक है। इसी तरह हम अज्यूम कर रहे हैं कि F4 जो है
उसके अंदर भी डेटा पड़ा हुआ है पहले से, बिफोर दिस एग्जीक्यूशन स्टार्ट्स, ठीक। अरे इनफैक्ट ये आ गया सामने, ठीक है। तो लोड 2 क्लॉक साइकिल्स, ऐड 2 क्लॉक साइकिल्स, सब्ट्रैक्ट 2 क्लॉक साइकिल्स, मल्टीप्लाई 10 क्लॉक साइकिल्स, और डिवाइड जो है वो 40 क्लॉक साइकिल्स दे रहा है, ठीक। तो लेट्स से कि अगर हमारे इंस्ट्रक्शन क्यू के अंदर ये डेटा पड़ा हो, तो सबसे पहले क्या होगा, ठीक है। अच्छा, इशू जो है वो सिक्वेंशियली होगा, तो सबसे पहले तो ये इशू होना चाहिए। इशू का मतलब क्या था अगर आपको याद हो? इशू का मतलब ये है कि डेटा जो है वो उसके लिए एक रिजर्वेशन स्टेशन रिजर्व हो जाएगा, लेट्स से, ठीक है। रिजर्वेशन स्टेशन रिजर्व हो गया, ठीक है। नाम से भी मेरा ख्याल आपको थोड़ा सा क्लियर होगा कि रिजर्वेशन स्टेशन की बात हम कर रहे हैं, वो रिजर्व हो जाएगा। तो लेट्स सी, एक रिजर्वेशन स्टेशन रिजर्व हो गया। अच्छा जी, ये 76 कहाँ से वैल्यू आई है? इंस्ट्रक्शन क्या थी पहली? वो थी कि गौर करें है क्या कि लोकेशन इंस्ट्रक्ट, आप यहाँ देखें, पहली इंस्ट्रक्शन थी कि 34+R2 एक एड्रेस है, उससे डेटा उठा के F1 में डालो। अब R2 में क्या पड़ा हुआ है? R2 में पड़ा हुआ है 42, ठीक। तो बेसिकली 42+34 76, ठीक। तो ये 76 यहाँ से है। तो अब बेसिकली 76 इज़ द एक्चुअल एड्रेस दैट आई नीड, ठीक है। तो 76 लोकेशन से डेटा उठाओ, और वो डेटा उठा के मैंने कहाँ डालना है इवेंचुअली, और करें F1 में डालना है, ठीक है। यहाँ पे वो आना है डेटा, ठीक। तो बेसिकली मैंने क्या करना है कि मैंने इसको भी बिजी कर देना है, एक फ्लैग मैंने यहाँ पे लगा देना है, ताकि मुझे पता हो कि ये जो है, ये जो पर्टिकुलर रजिस्टर है, ये इज गोइंग टू वेट फॉर दिस डेटा, सो दिस हैज़ बिकम बिजी, ठीक है। इसी तरह अगर मैं सेकंड क्लॉक साइकिल पे आ गया, गौर करें कि हम अगले क्लॉक साइकिल पे आ गए हैं, तो अब एग्जैक्टली ये काम होगा। यहाँ पे 45+R3, R3 में क्या है? 45, 45+45 90, ठीक है। और ये मेरे पास 6 रिजर्वेशन स्टेशन है, ये तो मेरा ऑलरेडी रिजर्व है, ठीक है। और ऐसे बाय द वे इसने एग्जीक्यूशन स्टार्ट भी कर दी है, ठीक है। लेट्स से कि ये हुआ है और ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुकी है यहाँ पे इस पॉइंट पे, ठीक है। यहाँ पे स्टार्ट हो गया एग्जीक्यूशन, ठीक है, इसकी पहले वाले की। तो इतने में ये आ गया, और इसकी जो है वो एक साइकिल के बाद इसकी एग्जीक्यूशन यहाँ पर स्टार्ट की हो जाएगी, ठीक है। और गौर करें कि हमारा क्यू जो है, फर्स्ट करें हमारी क्यू में मजीद इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो क्यू आगे मूव करती जा रही है। और ये जो है, जो डेटा होगा इसने F2 में डालना है, तो हमारा जो F2 है वो भी बिजी हो जाएगा। तो ये लेवल F2 भी बिजी हो गया, अभी तक सही है। अभी हम सेकंड क्लॉक साइकिल में, थर्ड क्लॉक साइकिल में जाते हैं। नाउ थिंग्स आर, बाय द वे, एरो भी आप फॉलो कर सकते हैं कि इट्स टेलिंग अस व्हिच इंस्ट्रक्शन वी आर एग्जीक्यूटिंग। अब इस सिचुएशन में इंटरेस्टिंग काम होंगे। बाय द वे, आई थिंक यू वुड रियलाइज कि बाय द एंड ऑफ दिस साइकिल हमारे पास काफ़ी सारे काम हो जाएंगे, ठीक है। एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गई थी हमारी, पहले लोड की इधर एग्जीक्यूशन स्टार्ट हुई थी, दूसरी की इधर स्टार्ट हुई थी। तो अगले में अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। सबसे पहले इस इंस्ट्रक्शन को देखें, ये इंस्ट्रक्शन क्या कह रही है? ये कह रही है कि F4 में जो पड़ा हुआ है, जो कि ये है, और F2 में जो पड़ा हुआ है, जो कि ये है, उसको F3 में डाल दो, जो कि ये है, ठीक है। तो अब अज्यूम कर सकते हैं कि सबसे पहले तो हमने इसको बिजी करना है, और इस चीज़ को हमने रिजर्वेशन स्टेशन में डाल देना है, ठीक है। ये मल्टी टाइप ऑपरेशन है, तो ये रिजर्वेशन स्टेशन के अंदर आ जाएगी। लेकिन अगर आप गौर करें कि F2 जो है वो तो हमारे पास डेटा मौजूद ही नहीं है, तो अभी हम उसको आगे ALU में पास नहीं कर सकेंगे। तो एक्चुअली यही होता है कि अगर आप गौर करें कि ये हमने रिजर्वेशन सेशन में डाल दिया, ठीक है। और अब हमने यहाँ पे क्या डाली है इन्फॉर्मेशन, गौर करें, ये F4 पे 2.2 पड़ा हुआ था, वो हमने डाल दिया डायरेक्टली यहाँ पर। यहाँ पे हमने बता दिया कि इंस्ट्रक्शन कौन सी जो कि ALU को आगे फॉरवर्ड होगी, और
और यहाँ पे हमने बता दिया है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं इसके आने का, ठीक है। साइकिल फोर पे जाएं। अब साइकिल फोर पे बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अब गौर करें कि ये जो इंस्ट्रक्शन थी ये स्टार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन इसकी यहाँ पे भी थी और इसकी स्टार्ट ऑफ इंस्ट्रक्शन यहाँ पे भी थी, तो ये यहाँ पे भी थी और ये यहाँ पे, तो वन जो है वो दो साइकिल चलेगा, तो यहाँ पे यहाँ पे, तो फोर पे पहुँच के इसकी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। सो दिस हैज़ ऑलरेडी फिनिश्ड एग्जीक्यूशन। तो जब ये एग्जीक्यूशन फिनिश हो गई है तो F1 पे डेटा आ गया, ठीक है, सम डेटा विच केम फ्रॉम द मेन मेमोरी। और अब और करेंगे ये रिजर्वेशन सेशन जो है ये वेकेट हो चुका है, ठीक है। एक्सक्यूज मी, ये खाली हो गया। और अब इमेजिन कर सकते हैं कि फिफ्थ में जो है वो इसका डेटा भी एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन एट द सेम टाइम क्या हो रहा है। और बाय द वे ये मैं आपको भी सिक्वेंशियली दिखाऊंगा, लेकिन ये सारे काम जो है इस साइकिल में साइमल्टेनियसली हो रहे हैं, ठीक है। ये सारे ऑपरेशन जो मैं साइकिल फोर के आपको अलग अलग बताऊंगा वो सिर्फ आपके समझाने के लिए, लेकिन दे आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली। और क्या हो रहा है, सब्ट्रैक्ट F5 F1 F2, ठीक है। नाउ F5 के अंदर F1 और F2 की वैल्यू डालो और सब्ट्रैक्ट करो। नाउ F1 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है और F2 मौजूद नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा कि ये कोई एक रिजर्वेशन सेशन हमारा बुक हो जाएगा इस काम के लिए, ठीक है। तो लेट्स सी कि पहली बात तो ये है कि क्योंकि हमने डेटा F5 में डालना था, F5 भी हमारा बिजी हो गया, ठीक है, यहाँ पे। और हमने बता दिया कि जी लोड F2 की जब वैल्यू आ जाएगी तब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब ये क्या है, ये एक बफर है, वेटिंग स्टेशन है, रिजर्वेशन स्टेशन है, वेटिंग एरिया है, और ये इंतज़ार कर रहा है कि सारी चीज़ें सारा इंफॉर्मेशन आ जाए तब मैं आगे उसको ALU को पास करूँ, ठीक है। अब देखते हैं आगे अगले क्लॉक साइकिल पे क्या होगा, ठीक है। तो कांट लोड F2 राइट नाउ ऑब्वियसली। इतने में फिफ्थ साइकिल के अंदर आप गौर करें कि हमारा पूरा बफर वेकेट हो गया, हमारे पास ये इंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट हो गई है फिफ्थ साइकिल में। इसका मतलब है कि मेरे पास F2 की वैल्यू आ गई है। अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैंने वो कहा था, इस पर नोट करिएगा। अब ये देखेंगे ये मेरी कॉमन डेटा बस है, इसको हम CDB भी कहेंगे। ये रजिस्टर के साथ भी कनेक्टेड है और ये रिजर्वेशन स्टेशन के साथ भी कनेक्टेड है। तो बेसिकली ये टाइम बचाने के लिए है कि अगर यहाँ पे किसी किस्म की डिपेंडेंसी थी, लेट्स से इसको पता है ना कि ये जो डेटा मैं लिखने जा रहा हूँ तो ये F2 के लिए जा रहा है पर्टिकुलरली, ठीक है। लेकिन उसको पता था कि यहाँ पे भी प्रोसेस, मतलब आपका जो हार्डवेयर है उसको पता है कि यहाँ पे भी F2 पे डिपेंडेंसी है। तो बेसिकली ये जो डेटा लाइन है, रादर के वो पहले F2 रजिस्टर में डाले और एक साइकिल के बाद F2 रजिस्टर से वो यहाँ पे आए, वो डेटा डायरेक्टली इधर भी आ गया, क्योंकि इट वॉज नोन टू द हार्डवेयर डायनेमिकली कि देर इज अ डिपेंडेंसी ऑफ टू टू रादर विद F2, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा साइकिल बच गया। और जैसे ही ये वैल्यू जनरेट हुई जो लोकेशन 90 पे पड़ी थी, विच हैपन टू बी 1.61, तो वो फ़ौरन की फ़ौरन इधर भी अवेलेबल हो गई। अच्छा, अब गौर करें क्योंकि ये अब रिजर्वेशन स्टेशन में जो डेटा पड़ा था वो सारा का सारा अवेलेबल है, तो अगले साइकिल के अंदर इनकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। सो दिस विल बी पास्ड ऑन टू दी एडर, दिस इज गोइंग टू बी पास्ड ऑन टू द मल्टीप्लायर, और ये जो रिजर्वेशन स्टेशन है ये वेकेट हो जाएगा, और वो जो पर्टिकुलर एडर है वो और मल्टीप्लायर है वो बिजी हो जाएगा। तो अब देखें, अच्छा बाय द वे एक और काम भी हो रहा है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं फिफ्थ साइकिल की, तो खाली ये काम नहीं हो रहा। एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली डिव कह रहा है कि F3 को F1 से डिवाइड करो, ठीक है। तो F1 मेरे पास अवेलेबल है, F3 मेरे पास अवेलेबल नहीं है, और उसका डेटा जो है वो F0 में डाल दो, तो इसको भी बिजी कर दो, ठीक है। तो देखते हैं ये एट द सेम टाइम हो रहा है, ठीक है। तो एट द सेम टाइम F0 जो है वो बिजी हो जाना चाहिए, ये मैंने शुरू नहीं किया, मैं इसको यहाँ पे कर लेता हूँ, ये मेरा
ये भी, एक्सक्यूज मी मैम, ठीक है, ये F0 बिजी है बाय वर्चू ऑफ दिस थिंग, और ये जो है ये F3 का इंतज़ार कर रहा है ऑब्वियसली, और F3 जो है वो क्या था, वो मल्टीप्लाई, अब गौर करते हैं इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ऑलरेडी हो रही है कि मल्टीप्लाई पे डिपेंड कर रहा है डिव, मल्टीप्लाई के बाद आ रहा है सब्ट्रैक्ट, अब इवन दो मल्टीप्लाई हैज नॉट फिनिश्ड एग्जीक्यूशन बिकॉज मल्टीप्लाई नीड्स 10 क्लॉक साइकल्स टू एग्जीक्यूट, ठीक, लेकिन सब्ट्रैक्शन ऑलरेडी हैज बीन पास्ड ऑन टू दी, मतलब इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड एग्जीक्यूशन एट द सेम टाइम एंड इन 2 साइकल्स इट इज गोइंग टू फिनिश इट्स एग्जीक्यूशन बिफोर मल इज गोइंग टू डू इट, ठीक है। सिमिलरली अब अगर अगले क्लॉक साइकिल पर चले जाए तो ये हम आए गए इनफैक्ट 6 पे, तो अब और करने क्या हो रहा है इसे भी देख लें, ये कह रहा है कि जी F1 में डालना है, ठीक है, तो ये बिजी हो जाएगा F1 ओवरराइट होने के लिए, एक्सक्यूज मी आई डोंट नो व्हाई दिस थिंग हैपेंस रैंडमली, सो दिस विल बिकम बिजी एंड गेट डेटा फ्रॉम F5 विच इज बिजी एंड गेट डेटा फ्रॉम F2 विच इज अवेलेबल, ठीक, तो ये देख लें ये F5 पर डिपेंड कर रहा है और ये लोड F3 पर डिपेंड कर रहा है, और अगले साइकिल पे 7th साइकिल एक आगे चला गया है, ऑब्वियसली साइकिल्स तो चल रहे हैं, तो अब गौर करें कि एक पॉइंट पे क्योंकि एड जो था वो F5 पर डिपेंड कर रहा था जो कि सब्ट्रैक्ट पे, अब इसकी वैल्यू जो है वो 8 8वें साइकिल पे कंप्लीट हो जाएगी, तो बेसिकली सब्ट्रैक्ट की वैल्यू जो है वो ऐड को पास हो जाएगी, ठीक है, 8 साइकिल पे, और हम क्या करेंगे कि इसको सॉरी 7th साइकिल में पास हो जाएगी, ठीक है, ये राइट कंप्लीट जो है ये, एक्सक्यूज मी दिस विल बी ऑन द, हाँ इसकी राइट कंप्लीट 8 साइकिल पे होगी, ये राइट फिनिश 7 पे होगा, ठीक है, तो ये फिनिश 7 पे हुआ है और राइट कंप्लीट 8 पे होगा, इसका मतलब ये है कि जब 8वां साइकिल आएगा तो ये जो है ये जो ऐड की इंस्ट्रक्शन थी ये पास ऑन हो चुकी है टू दी ये एडर, और ये डिवीजन की जो इंस्ट्रक्शन है ये वेट कर रही है, नहीं ये भी ये वेट कर रही है F3 का, ठीक है। अब इस पूरी कहानी में जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि डिव से पहले ऐड एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुकी है, और अगर आप जाएंगे ना 10th पे 10th साइकिल पे जब जाएंगे तो F1 के अंदर अपडेटेड वैल्यू ऐड की भी आ जाएगी, ठीक है, ये 9th पे फिनिश हो जाएगा, 9th पे फिनिश हो जाएगा और 10th पे राइट कंप्लीट करेगा, ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम ना ही ये इसका राइट कंप्लीट पूरा होगा ना ही इसका राइट कंप्लीट पूरा होगा, तो ये इंटरेस्टिंग बात है कि ये आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन हो रही है, ठीक है, आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन, ठीक है, और यही टॉमसल एल्गोरिथम है जो आपको ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा सहूलत देता है स्पीड के लिहाज से, डायनेमिक स्केजुलिंग, बेसिकली ये डायनेमिक स्केजुलिंग एल्गोरिथम है जो कि रन टाइम पे हार्डवेयर कर रहा होता, हमने बात की थी डायनेमिक स्केजुलिंग की, सो दिस इज हमने सॉफ्टवेयर स्केजुलिंग तो देखी थी जो कंपाइलर कर रहा होता है, हम वी आर टॉकिंग अबाउट डायनेमिक स्केड्यूलिंग, ठीक, बाय हार्डवेयर एट रन टाइम, और अक्सर स्टूडेंट्स वो ये इस चीज़ को कुछ समझ नहीं पाते, कंसोलिडेट नहीं कर पाते, दिमागी तौर पे इंटरनलाइज नहीं कर पाते कि दिस इज समथिंग हैपनिंग ऑन अ हार्डवेयर लेवल, और जो हमने पहले देखते आए हैं स्केजुलिंग के और आउट ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूशन की जितनी भी हमने चीज़ें पहले देखी एग्जाम्पल्स, वो सारी की सारी थी एट कंपाइल टाइम, सो दे वर आउट ऑफ ऑर्डर कंपेयर टू द प्रोग्राम दैट दिस प्रोग्रामर रोट, लेकिन जब वो कंपाइलर जो है वो उसको ऑप्टिमाइज कर रहा है और उसकी रीअरेंज कर रहा है तो वो आउट ऑफ ऑर्डर है कंपेयर टू व्हाट द प्रोग्रामर डिड, ठीक,
लेकिन एक दफा जब वो उसकी ऑर्डर जो है, तरतीब जो है, वो कंपाइलर ने रिकॉन्स्टिट्यूट कर दी है, अब जब वो हार्डवेयर को पास ऑन हो गया, अब उसकी जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं होगा, एंड दैट इज व्हाई इट्स कॉल्ड स्टैटिक स्केड्यूलिंग एंड दिस इज कॉल्ड डायनेमिक स्केड्यूलिंग बिकॉज दिस हार्डवेयर डज नॉट नो व्हाट द प्रोग्राम इज डूइंग राइट, बट इट्स गोइंग टू डू इट स्केड्यूलिंग एट रन टाइम. तो बेसिकली टर्मिनोसोलो एल्गोरिथम को हम अगर समराइज करें, बिकॉज इट इज एन एल्गोरिथम, तो ये कहता है कि इफ रिजर्वेशन सेशन इज अवेलेबल फॉर रीनेमिंग, इंस्ट्रक्शन इज इंसर्टेड इन टू द रिजर्वेशन सेशन, ठीक, ओनली रीनेम इफ रिजर्वेशन सेशन इज अवेलेबल, एल्स स्टॉल, जो हमने देखा था कि हम यहाँ पे ये स्टॉल हो रहा है. फिर फर्दर ये कि इन रिजर्व अगर व्हाइल इन रिजर्वेशन सेशन ईच इंस्ट्रक्शन वॉचेस कॉमन डेटा बस फॉर टैग ऑफ इट्स सोर्सेस, यानी कि डेटा के लिए व्हेन टैग सीन ग्रैब वैल्यू ऑफ द सोर्स एंड कीप इट इन द रिजर्वेशन सेशन, एंड व्हेन बोथ ऑपरेंड्स आर अवेलेबल इंस्ट्रक्शन इज रेडी टू बी डिस्पैच एंड यू डिस्पैच इट ऑन टू द फंक्शनल यूनिट, ठीक है. और डिस्पैच में क्या हो रहा है, और डिस्पैच की बात क्या हो रहा है, आफ्टर इंस्ट्रक्शन फिनिशेस इन द फंक्शनल यूनिट आर्बिट्रेट द कॉमन डेटा बस फॉर टैग वैल्यू ऑन द सीडीबी टैग ब्रॉडकास्ट. ये बेसिकली क्या होता है कि आपको पता होता है कि जो कॉमन डेटा बस पे डेटा जा रहा है वो उसका रेसिपिएंट रजिस्टर कौन सा है, ठीक है. तो वो अगर F4 में जाना है तो वो आप टैग ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, दैट टैग इज एक्चुअली आइडेंटिफाइंग बिकॉज इट्स अ कॉमन डेटा बस. लेकिन आपको ये इन्फॉर्मेशन भी चाहिए कि जी जो कॉमन डेटा बस पे डेटा जा रहा है, ठीक है, लेट्स से इट्स गोइंग इनटू द रजिस्टर फाइल, बट यू ऑल्सो नीड द इन्फॉर्मेशन कि रजिस्टर फाइल के किस रजिस्टर में जाएगा, दिस इन्फॉर्मेशन इज कमिंग फ्रॉम द टॉप टैग ब्रॉडकास्ट, ठीक है. और ठीक है और आगे जाए. अच्छा बाय द वे ये तो आपको समझ आ गया एल्गोरिथम की होपफुली. हम यहाँ बात कर, अब ये जो चीज़ थी ये एक रिजर्वेशन स्टेशन है, ठीक. सो व्हाट आर द रिजर्वेशन स्टेशन, दीज आर यहाँ पे तीन, तो हमें याद रखें कि ये मेरी रिजर्वेशन स्टेशन है, ये रिजर्वेशन स्टेशन है, ये रिजर्वेशन स्टेशन है, ठीक है. तो अब हम देखेंगे कि एक रिजर्वेशन स्टेशन के अंदर जो है, ठीक है, वो क्या होता है, ठीक है. तो ईच रिजर्वेशन स्टेशन हैज 7 फील्ड्स, ठीक है, एक ऑप, तो ये तो वो है ना ऑपरेंड ऑपरेशन, मिसाल के तौर पे मल, इसको मैं रेड कर लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा आसान है, ये मल है, ऐड है, डिव है, ठीक है, वगैरह वगैरह. अच्छा ये गौर करें, ये टैग्स हैं इंडिकेटिंग द प्रोड्यूसर ऑफ द सोर्स, प्रोड्यूसर ऑफ द सोर्स ऑफ द ऑपरेट. अच्छा इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं. नंबर वन पॉसिबिलिटी क्या है कि ऑपरेंड इज अवेलेबल, यानी कि मुझे F5 और S6 से डेटा चाहिए, और F5 के अंदर ऑलरेडी डेटा पड़ा हुआ है, उस केस के अंदर QJ QK जो है वो इरेलीवेंट है, इसमें हमारा प्रोड्यूसर का कोई भी रोल नहीं है, ठीक. तो प्रोड्यूसर का रोल 0 है इसके अंदर, ठीक है. दूसरा क्या है कि ऑपरेंड 1 और 2 और मोर इज नॉट अवेलेबल, ठीक. इस केस में अगर नहीं होगा, नॉट अवेलेबल का मतलब ये है कि देर इज अनदर इंस्ट्रक्शन दैट इज गोइंग टू प्रोड्यूस इट, ठीक है. तो QJ QK फर्स्ट ऑपरेंड सेकंड ऑपरेंड की अगर अगर हमारा लेट्स से आर्किटेक्चर ऐसा है जिसके अंदर दो ऑपरेंड से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है. हमारा ऐसा आर्किटेक्चर भी हो सकता है इसमें तीन ऑपरेंड हो, तो जाहिर सी बात है कि ये टर्मोसुलो के अंदर QJ QK QY जो भी तीन चार होंगे डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी ऑपरेंड द टेक, ठीक है. तो ये इंतज़ार करेगा, ठीक. अच्छा ये क्या है, ये एक्चुअल वैल्यूज होंगी बीजे बी के, यानी कि फर्स्ट कहने की वो वैल्यू अवेलेबल है. जैसे मैंने अभी मिसाल दी कि मेरे पास है क्या, मैं यहाँ पे कुछ जगह देख लेते हैं क्लियर करके, लेट्स क्लियर इट. अच्छा तो एक्सक्यूज मी, मल F4, F1, F2,
चलो इमेजिन करें कि जी F1 के अंदर डेटा पड़ा हुआ है और व्हाटएवर, मैं बेसिकली मैं पर्टिकुलरली इस इंस्ट्रक्शन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कहता हूँ ऐड F5 F4 F1, सॉरी F1। तो इस केस के अंदर जो मेरा एक्सक्यूज मी पहला पहला ऑपरेंड है, ठीक है, वो अवेलेबल नहीं है, वो यहाँ से आना है। उस केस के अंदर मैं इस जगह पे इसका रेफरेंस डाल दूंगा, और जो मेरा दूसरा ऑपरेंड है F1, वो मेरे पास अवेलेबल है, उस केस के अंदर मैं यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर एग्जांपल के अंदर क्यू के इस्तेमाल नहीं होगा और वी जे इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। अच्छा आगे जाए, अब एड्रेस की स्टोर्स दी, ए विल स्टोर द इफेक्टिव एड्रेस स्टोर इन द लोड स्टोर बफर आफ्टर एड्रेस कैलकुलेशन, ठीक है। तो ये आफ्टर एड्रेस कैलकुलेशन जो है, जो एड्रेस होगा वो ए के अंदर होगा, तो मेरे पास ये एरिया है, और जाहिर सी बात है कि ये मेरी जो ए एन यू टाइप ऑपरेशन है उसके अंदर ये इस्तेमाल नहीं होगा। और बिजी ये सिंपल, ये एक सिंपल बिट है जो बता रही है कि जी एक बिट में बता रहा है कि ये रिजर्वेशन सेशन ऑक्यूपाइड है कि नहीं है। अच्छा एक और चीज़ भी है, ये क्यू आई मुझे ये बता रहा है कि मैं कितने रिजर्वेशन सेशंस हैं, सॉरी द नंबर ऑफ रिजर्वेशन सेशंस दैट कंटेन द ऑपरेशन हुज रिजल्ट शुड बी स्टोर्ड इन दिस रजिस्टर, ठीक है। इफ द वैल्यू ऑफ क्यू इज ब्लैंक नो करंटली एक्टिव इंस्ट्रक्शन इज कंप्यूटिंग ए डिजायर्ड रिजल्ट डेस्टिन फॉर दिस रजिस्टर, ठीक है। तो ये बता रहा था कि किसके लिए ये रिजल्ट कंप्यूट कर रहा है, तो आपके डेस्टिनेशन जो है वो उसको पॉइंट कर रहा है, ठीक। नाउ अगली आगे हम एग्जांपल देखेंगे तब ये बात क्लियर हो जाएगी। बाय द वे एक एग्जांपल देखें, और ये आपकी किताब की एग्जांपल है, मैं आपको अर्ज करूंगा कि प्लीज़ आप किताब में जाकर देखें तो आपको करें, ठीक है। नहीं किताब की एग्जांपल है, इसमें आप गौर करें क्या हो रहा है। मैं आपको थोड़ी सी हिंट्स अभी भी दे देता हूँ, एक तो लोड हो रहा है, फिर लोड हो रहा है, मल्टी अच्छा इस पर गौर कर रहे हैं। इसकी डेस्टिनेशन जो है वो F6 है, इसकी डेस्टिनेशन F2 है, ये अच्छा ये डिपेंड कर रहा है R2 पे, मैं इमेजिन कर रहे हैं कि R2 में R3 में कोई वैल्यू पड़ी होगी। अब और करेंगे जो मल्टीप्लिकेशन है ये F2 पर डिपेंड कर रही है डिपेंडेंसी, और F4 पे हम अज्यूम कर रहे हैं कि डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। सब्ट्रैक्शन जो है ये भी F2 पर डिपेंड कर रही है, और फर्दर मोर ये F6 पे भी डिपेंड कर रही है, ठीक है। तो ये F6 है और ये F2 है, और ये दोनों इस पर डिपेंड कर रहे हैं। डिवीजन जो है वो आपकी F0 पर डिपेंड कर रही है, और F6 पर डिपेंड कर रही है, एक्सक्यूज मी। और ऐड जो है वो आपका F2 पर डिपेंड कर रहा है और F8 पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो याद रखें कि ये हमारी फील्ड है, OP QJ QK VJ VK AP बिजी एंड क्यू आई, ठीक। अब हम उस फॉर्मेट में देखते हैं जो आपकी किताब की फॉर्मेट है, ठीक है। तो ये आपकी इंस्ट्रक्शन है और ये आपका रिजर्वेशन सेशन है। उसमें गौर करें कि ये तो उसका नाम है रिजर्वेशन सेशन का, तो इससे हमें क्या पता लगा। एक तो पहली बात है यहाँ पे ये देख लेते हैं कि मेरे पास मेमोरी के दो हैं और ALU एडर टाइप के तीन हैं और मल्टीप्लाई के दो हैं, ठीक है। यानी कि आई कैन हैव टू साइमल्टेनियस मेमोरी ऑपरेशंस, थ्री साइमल्टेनियस एडिशन सब्ट्रैक्शंस एंड लॉजिक ऑपरेशंस, एंड टू साइमल्टेनियस मल्टीप्लिकेशन डिविजन्स। अब सवाल ये है कि यहाँ पे तो वो डेटा आना चाहिए, अगर वो डेटा अवेलेबल है, ठीक है, और अगर डेटा अवेलेबल नहीं है तो जिस पे वो डिपेंड कर रहा है वो यहाँ पे आना चाहिए, और अगर ये मेमोरी ऑपरेशन है तो ये ए होगा। तो ये ए जो है वो सिर्फ
इन दो पर्टिकुलर केसेस में इस्तेमाल हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या वैल्यूज आनी चाहिए, अब खुद गौर कर लें। बस करें, इमेजिन करें कि ऑल इंस्ट्रक्शंस हैव बीन इश्यूड, तो गौर करें कि ये सारे के सारे यहाँ पे, बल्कि इसको भी यहाँ पे डाल दें, यहाँ पे भी लोड डाल दें, लोड 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 लोड, फिर ये सब ऐड और मल्टिव मल्टिव। ठीक है, तो ये सारे के सारे इशू हो चुके हैं। इस केस में ये क्या होंगे, हमने पहले भी पिछले स्टैक में डिस्कस किया है कि ये जो सब है, सॉरी ये मल जो है, ये किसका वेट कर रहा है, इस लोड का, इसका इंस्ट्रक्शन का वेट कर रहा है, और ये जो सब है ये इन दोनों का वेट कर रही है, और ये डिव है ये किसका वेट कर रहा है, इसका और F6 इसका F4। तो हम देखते हैं आगे इसकी शक्ल कैसी होगी, ये देख लें। ये कुछ साइकिल्स के बाद है, इसमें हमारे पास इसकी एग्जीक्यूशन, हम लेट्स से वी हैव मूव्ड अ फ्यू साइकिल और काम पहुंच गया कि फर्स्ट लोड एग्जीक्यूशन हैज कंप्लीटेड। इसका राइट बैक भी हो चुका है। तो अब यहाँ पे देखें, जो मैं बात कर रहा था वो ये था कि बाय द वे ये इस रिजर्वेशन स्टेशन का नाम है, तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि हम किस रिजर्वेशन स्टेशन पे वेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो मल है इसको पहले देखते हैं, ये मल जो है वो F2। ठीक है, तो ये वाली जो कैलकुलेशन थी ये कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है लोड 2 में। तो ये मल 2 जो है वो लोड 2 पे वेट कर रहा है। ठीक है, इसी तरह इसको देख लें, पहले क्या है, सब आएगा सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्शन जो है वो F2 इज दिस पर्टिकुलर लोड, तो वो भी लोड 2 पे डिपेंड कर रहा है, और उसका जो दूसरा ऑपरेंड है वो F4। F4 कहाँ से आ रहा है, सॉरी ऐसी बात नहीं कर, F4 कहाँ से आ रहा है, हम सब की बात कर रहे हैं, सॉरी सब ये है, एक्सक्यूज मी, इसको दोबारा डिलीट कर लो। सब जो है हमारा वो सब मल जो है वो लोड 2 पे डिपेंड कर रहा है बाय वर्च्यू ऑफ दिस F2। सब जो है वो इस लोड पे डिपेंड कर रहा है बाय वर्च्यू ऑफ दिस F2, और F6 पे भी डिपेंड कर रहा था, लेकिन क्योंकि हम कुछ साइकिल्स के बाद आए हैं, फर्स्ट लोड हैज बीन एग्जीक्यूटेड एंड कंप्लीटेड। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू कंप्लीट हो चुकी है, राइट रिजल्ट हो चुका है, और ये डेटा कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पे आ चुका है, तो इसका जो रिजल्ट है वो आप गौर करें कि वो लोड 1, यानी कि लोड 1 का रिजल्ट VJ के अंदर आ चुका है। ठीक है, तो लोड 1 का रिजल्ट इधर आ गया हमारा। ठीक है, और उससे पहले यहाँ पे एड्रेस कैलकुलेट हो गया था। एनीवेज, अगला क्या है, डिवीजन है। डिवीजन जो है वो ये वाला है, डिवीजन किस पर डिपेंड कर रहा है, वो भी F6 पे, F6 भी कैलकुलेट हो चुका है क्योंकि फर्स्ट लोड एग्जीक्यूट हो चुका है, तो ये वाला तो फिर यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, लोड 1 ये वही चीज़ है, यानी कि जो डेटा इसने F6 का डेटा जो था ना वो यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया। सेकेंड डिवीजन जो है वो डिपेंड कर रहा है F0 पे। F0 ने कहाँ से आना है, मल्टीप्लाई से। मल्टीप्लाई किधर एग्जीक्यूट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है Mult1 के अंदर। ठीक है, तो अब डिवीजन जो है वो Mult1 पे वेट कर रही है। आखिर में आ गया एड। ठीक है, तो एड जो है उसको F8 और F2 से डेटा चाहिए इस पॉइंट इन टाइम में। तो F2 कहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है, लोड 2 में, और F8 कहाँ पे कैलकुलेट हो रहा है, F8 सब एड 1 में। ठीक है, तो हम गौर करें कि ये एड 1 और लोड 2 पर वेट कर रहा है, और जाहिर सी बात है कि VJ VK जो है इसके खाली पड़े हुए हैं क्योंकि यहाँ पे डेटा इधर से और इधर से आना है। ठीक,
अब अगर आपको समझ आ गया तो देखेंगे सेकेंड नोड हैज़ एग्जीक्यूटेड। सेकेंड नोड एग्जीक्यूशन के बाद हमारे पास यहाँ पे डेटा आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पे जो डिपेंडेंसी थी जो कि सेकेंड वाली पे थी, पीछे अगर आप और क्या करें, पीछे जाएं, ये जो डिपेंडेंसी थी ना लोड टू वाली, कितनी? एक, दो और तीन। ये तीन डिपेंडेंसीज जो हैं जब वो सेकेंड लोड एग्जीक्यूट होगा तो वो फॉरन रिफ्लेक्ट होंगी इस जगह पे, तो इस जगह पे और इस जगह पे और इस जगह पे, ठीक है। तो देखें क्या हो रहा है कि ये देखें लोड टू से जो वैल्यू आई वो यहाँ आ गई, यहाँ आ गई और यहाँ आ गई, क्योंकि एग्जीक्यूशन जो है इसकी कंप्लीट हो गई। और इसी तरह से आगे चलते जाए, ठीक है। सब्ट्रैक्शन हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड। गौर करने के सब्ट्रैक्शन की जो एग्जीक्यूशन है ये मल्टीप्लिकेशन की एग्जीक्यूशन से पहले हो गई है, ठीक है। तो आउट ऑफ ऑर्डर, ठीक है। तो दिस एग्जीक्यूशन हैज़ कंप्लीटेड बिफोर दिस मल्टीप्लाई, और इस पे जो भी डिपेंडेंट थे वो आगे मूव करते गए। तो आपको लगता है कि आप जाते रहे कि जब जाएंगे ना तो आप गौर करें कि इवेंचुअली आपके पास ये दोनों जो हैं ये चलते जाएंगे एग्जीक्यूशन, इवन दो दिस वाज द लास्ट वन एंड मल हैपेंड बिफोर बोथ सब एंड ऐड, ठीक है। बट द प्रोसेसर रीऑर्गेनाइज द एग्जीक्यूशन इन अ वे सो दैट These two are the last ones to execute. तो आई होप कि आपको समझ लो कि एक से एग्जाम्पल समझ आ गई होगी, ठीक है। थोड़े से टॉपिक में अगर डिस्कस कर लेता हूँ कि डायनेमिक लूप अनरोलिंग। अगेन लूप अनरोलिंग हमने अभी तक जो की हुई थी वो थी स्टैटिक परफॉर्म बाय द कंपाइलर, ठीक। अब ये एक ज़रा एडवांस टॉपिक है, और डायनेमिक लूप अनरोलिंग का मतलब ये है कि डायनेमिकली हार्डवेयर रिकग्नाइज करे कि मैं इसको एक्सपेंड कर सकता हूँ, और ये चीज़ डिपेंड करेगी ऑन द साइज ऑफ द रिजर्वेशन टेबल फॉर श्योर, ठीक है। इफ़ यू हैव लार्ज इनफ रिजर्वेशन मतलब रिजर्वेशन बफर्स, टेबल की तादाद बड़ी होगी, आपके पास रोज इन द रिजर्वेशन टेबल ज़्यादा होंगे, जितने ज़्यादा होंगे तो आप उसको अनरोल कर सकते हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इसकी प्रोस क्या है कि इंक्रीजेज द नंबर ऑफ अवेलेबल रजिस्टर्स, प्रिवेंशन ऑफ लोड आफ्टर स्टोर्स, कॉरस्पॉन्डिंग कंपाइलर कैन बी सिंपलर ऑब्वियसली, लूप कंट्रोल कैन नॉट बी अवॉइडेड, हार्डवेयर इज वेरी कॉम्प्लेक्स। जैसे मैंने कहा कि दिस इज अ वेरी एडवांस डिजाइन, दिस इज द मेन लेट्स से ड्रॉबैक। तो इस किस्म का अगर आपकी एग्जाम्पल है उसको आप अनरोल कैसे करेंगे? शुड हैव आई थिंक ये अब और कह रहे हैं कि आपका जो कोड है, मैं आपको बताता हूँ कि ये अनरोलिंग हो कैसे रही है, ये नज़र कैसे आ रही है, डायनेमिकली अनरोल हो कैसे रहा है। अगर आप गौर करें कि हमारे पास एक जस्ट वेरी क्विकली इंट्रोड्यूस यू टू दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर आप नॉट इंट्रोड्यूस यू लेकिन आई जस्ट रिमाइंड यू ऑफ दैट कॉन्सेप्ट जो हमने शो में भी देखा था, अगर आपको याद हो कि हमारे पास एक चीज़ थी जो कि थी इंस्ट्रक्शन क्यू, इंस्ट्रक्शन स्पेलिंग मैंने बताया, इंस्ट्रक्शन क्यू कर लें, ठीक है। ये बिल्कुल शुरू में भी हमने देखी थी, अगर आपको याद हो ये चीज़। अब ये जो इंस्ट्रक्शन क्यू है, अगर आप गौर करें कि ये मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे प्रोग्राम मेमोरी से आ रहा है, अब प्रोग्राम मेमोरी के अंदर वो प्रोग्राम पड़ा हुआ है जो कि लूप कर रहा है लेट्स से 100 टाइम्स, ठीक। तो एक दो तीन लाइन और ये लूप बैक कर रहा है 100 टाइम्स, तो इंस्ट्रक्शन क्यू में क्या पड़ा होगा? फर्ज करें ये 3 लाइन का कोड है, तो पहली आइटरेशन, ठीक, पहली आइटरेशन पड़ी होगी, उसके बाद दूसरी आइटरेशन पड़ी होगी,
उसके बाद क्या पढ़ी होगी, तीसरा इटरेशन। तो इमेजिन करने की यू हैव टू अंडरस्टैंड कि दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी। नाउ इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द इंस्ट्रक्शन क्यू, ठीक। लेकिन ये सारे के सारे इन्फॉर्मेशन इस क्यू में पड़ी होगी, ठीक है। दिस इज वॉट यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड विजुअलाइज। तो बेसिकली इसलिए गोइंग बैक टू डायनेमिक अनरोलिंग, मेरे पास इस किस्म के इस शक्ल में डेटा पड़ा हो सकता है इन द इंस्ट्रक्शन क्यू, वेयर दिस रिप्रेजेंट्स द फर्स्ट आइट्रेशन एंड दिस रिप्रेजेंट्स द सेकेंड आइट्रेशन, ठीक है। तो बाय वर्च्यू ऑफ द फैक्ट ऑफ वॉट इट इज डूइंग इन एनी केस, तो ये एक ऑटोमेटिक अनरोलिंग हो जाएगी, ठीक है। और अनरोल, ये अनरोल इस वजह से हो गया, ठीक। और अनरोल होने के बाद जितनी बड़ी आपकी रिजर्वेशन स्टेशन होगी उसमें जो क्रॉस डिपेंडेंसीज, यानी कि अगर इंडिपेंडेंट इंस्ट्रक्शंस होंगी, और बाय द वे अगर आपके रजिस्टर्स का, रजिस्टर बैंक बड़ा होगा, रजिस्टर फाइल का साइज बड़ा है, तो यू विल सी के मैनी ऑफ द इंस्ट्रक्शंस आर गोइंग टू बी एग्जीक्यूटेड साइमल्टेनियसली बाय वर्च्यू ऑफ दिस फैक्ट ऑफ द हार्डवेयर आर्किटेक्चर, ठीक है। सो आई होप बिटवीन दिस डिस्कशन, मतलब हमने भी डिस्कशन की है, तो उसमें आपको टर्मस्कुलर एल्गोरिथम समझ आ गया होगा, और आपको समझ आ गया होगा कि डायनेमिक स्केजुलिंग कैसे हो रही है और इससे में क्या एडवांटेजेस हो रहे हैं। बाकी सवाल आप क्यू एंड ए सेशन में रख सकते हैं। थैंक यू।